इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पानीपत से सामने आ रही है। पानीपत में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं और समालखा आड़ती के परिवार में 3 मामले सामने आए हैं। देखिए आंकड़ा प्रदेश भर से लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार की महिला और 2 बच्चे कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इसके साथ आपको बता दें केस न्यू दलवीर कॉलोनी से आया है सामने। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पानीपत में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पानीपत से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, फिलहाल आड़ती के परिवार से भी 3 मामले सामने आए हैं, बढ़ते हुए इन आंकड़ों का क्या कुछ कारण माना जाए पानीपत में? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की रूपरेखा जो थी शुरू से प्रस्तुत करते रही, और कई बार आपने भी मुद्दे उठाए कि गांवों को लेकर, फिलहाल ये सूचना लग रही है कि जो आड़ती था उसके परिवार के 9 लोगों के सैंपल चेक किए गए थे, जिसमें से जो है 3 जो है पॉजिटिव मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो आड़ती है इसकी बैकग्राउंड टोटली गांव की है, सब्जियां गांव से आती हैं, तो इसके कॉन्टैक्ट भी कहीं कॉन्टैक्ट निकालने भी मुश्किल हो रहे हैं। और जो चौथा केस है वो न्यू दलबीर नगर का है, जो अभी दिल्ली से आया था, वो पॉजिटिव पाया गया। तो कहीं ना कहीं डेली अगर हम 3 दिन की बात करें तो लगातार 2-2 करके और आज जो है 4 पॉजिटिव केस पाए जाना अपने आप में चिंता का कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है जिस चीज को लेकर हरियाणा न्यूज कह रहा था कि पानीपत के अराउंडिंग जो है गांव में, तो कहीं ना कहीं अब ये गांव के अंदर भी खतरा मंडराने लगा है। जी जितेंद्र, जिस तरह से ये संक्रमण गांव में भी फैल रहा है, तो वहां पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आड़ती का सीधा संबंध रहता है गांव के किसानों से, और कहीं ना कहीं सब्जी लेकर जो आते हैं, अब उनके कॉन्टैक्ट निकालना, कहां का उनके कॉन्टैक्ट थे, कहां का उनका आड़ती का किस तरीके का सिस्टम था, तो ये सारी चीजें जो है उनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है जांच करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरा अब मंडराने लगा है, क्योंकि संभालका जाने के बाद संभालका के 84 गांव ऐसे लगते हैं जहां पर सब्जियां होती हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है, देखिए अभी धान का टाइम है तो लोग बाग आड़तियों से भी मिलते हैं, और सब्जी को लेकर जिस तरीके की फसलें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये जो है चिंता की लकीरें पैदा करती हैं कि कहीं ये जो संक्रमण है जो गांव की तरफ ना मूवमेंट कर ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आंकड़ा प्रदेश भर से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और पानीपत से भी आपको बता रहे जहां एक आड़ती के परिवार में 3 जो है वो मामले सामने आए हैं, 3 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, परिवार की महिला और 2 बच्चे यहां कोरोना से संक्रमित मिले हैं।